अभी प्लीज चुप कर जाए ना। आप रोते हुए दुख को भी अच्छी नहीं लगती ना। आपको तो पता ना कोमल भाभी की आदत है। हाँ? प्लीज अच्छा स्माइल। अरे अगर मेरे हस्बैंड होते तो मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने देते। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। उसे भालो ना रो उसे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आपने तो खुद को निढाल कर लिया रो रो के। नहीं भाभी कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेट्स। भाभी गांव याद आता है? गांव किसको नहीं याद आंदा जी, लेकिन कोई गांव में ऐसा भी तो होना जो सानू याद करे। एवें तो नहीं कोई परदेस जांदा ना। आप भी तो नहीं गए ना परदेस। बाप वर्गा भाई जो है और बहनों जैसी भाभी। मेरी गुड़िया। मेरा सच में कोई कसूर नहीं। सरफराज तो लाहौर वाले कार में भी घुस आया था। इधर इधर भी मुलाजम कसूम के साथ मिलकर मुझे जेवर ले लिया था। मेरा यकीन नहीं है ना तो कसूम वाले पूछ लो। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। शहर को कॉल करी? नहीं यार, तुम कितनी जिद्दी हो। तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है? तुम्हारे भाई के घर से जा चुकी है। कभी मेरी बहन को फोन करके पूछा तुमने कि वो क्या झेल रही है? तो मैं उन्हीं को ही तो कॉल कर रही थी। अच्छा, उसे कॉल कर रही थी। किसको कॉल कर रही थी? ठीक है जैनी, लेकिन मेरी बात तो नहीं हुई ना। आजकल इंसान का रिश्ता बन जाता है। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक ही इंसान से बना है और वो मेरी बहन है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? इतनी ज्यादती? कभी मेरी बहन के साथ इतनी हमदर्दी दिखाई तुमने? कभी उससे पूछा कि वो क्या झेल रही थी? इस सब के बावजूद कि सच्चाई सामने आ गई और तुम सब हद करती हो यार तुम। नहीं,